जिला में अचानक से तब सनसनी फैल गई जब लोगों को यह मालूम हुआ कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग की टीम ने डोमचांच थाना में पदस्थापित रंजीत कुमार झा नामक के एएसआई को गिरफ्तार कर अपने साथ हजारीबाग ले गई है। एसीबी को कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के ही रहने वाले नीलेश कुमार ने ही आवेदन देकर कहा था कि डोमचांच थाना में उनकी पत्नी के द्वारा गांव में ही हिमांशु कुमार के ऊपर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद हिमांशु ने भी उसके और अन्य के ऊपर केस कर दिया था। इन दोनों मामले के जांचकर्ता एएसआई रंजीत कुमार झा थे, जिन्होंने नीलेश से दोनों केस की डायरी लिखने व जमानत में मदद करने के एवज में 15,000 रुपए की मांग की। नीलेश ये घूस की रकम देना नहीं चाहते थे, इस कारण उसने इसकी शिकायत एसीबी हजारीबाग से की। मामले की सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप टीम का गठन करते हुए कोडरमा पहुंची, जिसके बाद डोमचांच थाना के ही एसआई रंजीत कुमार को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार एएसआई को एसीबी की टीम ने अपने साथ हजारीबाग ले गई, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले की जानकारी एसीबी हजारीबाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है। क्या कुछ मामला है? वो एंटी करप्शन ब्यूरो हजारीबाग में डोमचांच थाना के सोनी रंजीत कुमार झा के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो कांड संख्या 321 दर्ज किया गया, जिसमें आज 10,000 रुपया रिश्वत की राशि लेते हुए उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।